गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत ही ठंडा हो रहा है, चारों तरफ कोहरा है, पूरी तरीके से बंद हो रखा है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना ठंडा हो रहा है, पूरा बंद हो रखा है। और यहाँ पर बीटू और उसके पापा अच्छे से एक्सरसाइज तो नहीं कर पा रहे हैं, ठंड होने की वजह से फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरा बेटू लड्डू खा के लड्डू गोपाल बन गया है और वो अब वो किक करेगा फुटबॉल को। तो यही है इंडिया का फ्यूचर। और ये मफलर पहने हुए मेरे हस्बैंड इसके साथ खेल रहे हैं, उसको थोड़ा सा ट्रेन कर रहे हैं ताकि उसके लेग्स की एक्सरसाइज हो सके और ठंड कम लगे। साथ ही साथ यहाँ पर दादी तैयारी कर रही हैं नाश्ते की। तो एक रात के लिए हमने इस दाल को भिगाया था और अभी मॉर्निंग में इसको फ्राई किया गया है ताकि इसके पराठे बनाए जा सके। तो दादी ज़्यादातर सिल बटने का ही यूज़ करती हैं, कुछ भी पीसना होता है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी देखिए यहाँ पर भाप निकल रही है, अभी जस्ट अभी फ्राई करके उन्होंने पीसना शुरू किया है। तो दादी जब इस दाल को पीस लेंगी तब इसमें और मसाले ऐड किए जाएंगे। तो मेरा तो नाश्ते की तैयारी हो गई है। आप लोग क्या खाते हैं नाश्ते में, क्या आपकी फेवरेट डिशेज़ हैं, आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें क्या मिलाने वाले हैं। तो दाल में हमने ऐड किया है लहसुन, प्याज और अदरक। इसके साथ साथ हमने जो मिर्च का अचार होता है उसका मसाला, थोड़ा सा खटाई इसमें ऐड की है। मैं यहाँ दादी को ठंड लग रही है तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी वहाँ पर आग जला देती हूँ ताकि वो सेक सके। तो आग जलाने के बाद मैं जो दादी ने स्टफिंग तैयार की है दाल के पराठे बनाने के लिए, मैं उसको यूज़ करके पराठे बनाऊंगी, गर्मा गर्म सबको सर्व करूंगी। तो अब आग तो जल चुकी है, बेटू भी रेडी है आग तापने के लिए और दादी भी। अब दिखाती हूँ मैं आपको कैसा स्टफिंग तैयार हुआ है। देखिए पीसने के बाद बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आटा भी मैंने तैयार कर लिया है। पहली रोटी हमेशा की तरह गाय के लिए, और अब क्योंकि बेटू बहुत ही हंग्री है, वो काफ़ी देर से कूद रहा था, खेल रहा था, तो उसके गाय की रोटी बनाने के बाद मैं पहला जो पराठा बनाऊंगी वो अपने बेटू के लिए। तो इसको बनाने के लिए एज़ ऑलवेज मैं थोड़ा सा बेल लेती हूँ और फिर इसको जैसे हम गुजिया फिल करते हैं सेम वैसे ही मैं गुजिया की तरह इसको फिल करूँगी। क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम दोनों कॉर्नर्स को, दोनों सर्किल के पार्ट्स को जब जॉइन करते हैं तो वो हटते भी नहीं हैं, और जब आप लोई इसकी बनाते हैं और बेलते हैं तो बीच में आटे की गांठ भी नहीं रहती है, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैं इसी तरीके से ट्राई करती हूँ। तो अब मैंने लोई बना ली है और मैं अच्छे से इसको बेलूँगी। गाय की रोटी भी एक बार तो मैं देख चुकी हूँ, पलट चुकी हूँ इसको, सीख गई है। और अब पराठे की तैयारी हो रही है, सबको बहुत भूख लगी है तो इसीलिए मैं जल्दी से पराठा यहाँ पर बना देती हूँ और अपने बेटू को दूंगी ये पराठा सबसे पहले। और मेरे हस्बैंड, दादी सभी वेट कर रहे हैं। ये हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, थोड़ा सा आई नो इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी बट उतना ही डिलीशियस भी है। सो नाश्ता करने के बाद हम कहीं, आज हमारा प्लान है हम कहीं घूमने जाने वाले हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।